नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिवनी छपारा और गणेशगंज के बीच बंजारी मंदिर के पास बड़ा हादसा हुआ। सिवनी जिले के छपारा गणेशगंज के बीच बंजारी मंदिर के 5 कंटेनर आपस में टकरा गए। इसमें वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे में एक चालक को मामूली चोट आई है। सिवनी के छपारा और गणेशगंज के बीच बंजारी मंदिर के पीछे सड़क निर्माण ठेकेदार की लापरवाही वाहन चालकों को भारी पड़ रही है। सड़क निर्माण में लापरवाही के चलते 5 कंटेनर एक दूसरे से टकरा गए। इसमें वाहन 5 क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक चालक को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि वाहन बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। वाहन चालकों का कहना है कि सड़क से लगी हुई पहाड़ी से पत्थर गिरकर रोड पर आ रहे हैं, इससे हादसे हो रहे हैं। रायसेन कलेक्ट्रेट में सांसद उदय प्रताप सिंह ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। इसमें पेयजल, सड़क व बिजली सहित अन्य विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। बैठक में सांसद उदय प्रताप सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्माण व विकास कार्यों समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी होती है, इसलिए क्षेत्र की समस्या की समाधान के लिए भी वे बेहतर सुझाव दे सकते हैं। बैठक में उदयपुरा विधायक रामकिशन पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता किरार सहित जनपदों के अध्यक्ष, समिति सदस्य तथा कलेक्टर एस प्रिया मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ अमनवीर सिंह बे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। रायसेन जिले के गंज बासुदा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 70वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर सुधा नंदन कन्या कॉलेज में नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। सुधा नंदन कन्या कॉलेज में नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विषय पर परिचर्चा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में नारी असुरक्षित महसूस कर रही है। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष मधुलिका रंजन अग्रवाल, जनपद अध्यक्ष अंजलि मनोज यादव, रीता भावसार, हर्षिता नाहर, एसआई भारती सलाम एवं आरक्षक शशि चौबे सहित विद्यार्थी परिषद के सदस्य व छात्र छात्राएं उपस्थित थी। जब आपके माता पिता, आपके परिवारजन आपके लिए बहुत अच्छा लड़का या बहुत अच्छी लड़की देखकर आपको विवाह बंधन में बांधेंगे, और जब आप वो काम करेंगे तो बहुत सम्मान पूर्वक होता है और हम सब भी उसका सम्मान करते हैं और आदर करते हैं। तो मैं ये बात इसलिए आज कह रही हूँ कि आज के माहौल मैडम, आज सशक्तिकरण के कार्यक्रम में आप आई हैं, इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या संदेश दिया है इसके। सबसे पहले हमने बात की थी नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ मतलब आप खुद को जानिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम खुद के लिए समय नहीं निकालते। हमें सबको पता होती है कि पड़ोसी में क्या चल रहा है, किसका क्या है, कैसा है, लेकिन हमें खुद के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने ये इनको बताया कि सबसे पहले आप खुद के लिए समय निकालिए, आप खुद से बात कीजिए, अपने बारे में पॉजिटिविटी निकालिए, अपने बारे में नेगेटिविटी बताइए, जो भी नेगेटिविटी खुद की है, क्योंकि आप जितना खुद को जान सकते हैं दूसरा आपके बारे में आपको उतना नहीं बता सकता। सशक्तिकरण के बारे में आप बताएं, क्या बताना चाह रही थी। विद्यार्थी परिषद द्वारा सुवर्णा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंतर्गत सभी छात्राओं को ये बताया गया है कि वे कैसे एक्टिव रहें एवं आगे अपने करियर के बारे में क्या कर सकती है। रतलाम में भाजपा कार्यकर्ता में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया के बयान पर प्रदेश भर में जमकर चर्चाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि कांग्रेस से सीएम प्रोजेक्ट हुए तो वे प्रसाद बांटेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री पवैया भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए थे। इस दौरान सिंधिया के सीएम प्रोजेक्ट होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने कहीं नहीं पढ़ा कि सिंधिया कांग्रेस से सीएम प्रोजेक्ट हुए हैं, और यदि ऐसा हुआ तो वह प्रसाद बांटेंगे। वहीं प्राध्यापकों की ट्रांसफर नीति के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर होते हैं, अलग से ट्रांसफर नीति की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, तबादलों की अभी कोई नई नीति ऐसी नहीं बन रही है जी, न बनाने की जरूरत है जी। जब आवश्यक होता है तो कोऑर्डिनेशन के द्वारा ऐसे स्थानांतरण होते हैं, कहीं पद पूर्ति की जरूरत होती है,
इस पर कोई अलग से पॉलिसी अभी तैयार नहीं है। एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 92-93 में, तब की जो पुस्तकें थी आज भी वो लाइब्रेरी में है हमारी। आप ये लिखेंगे कि मैं पढ़ता था 92 में, तब तो मैं जवाब दूंगा। इस पर बोलिए आप क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि आखिर कॉलेज में वर्षों से जो पुस्तकें आउट ऑफ डेटेड हो गई, उनको बदला नहीं जा रहा है, आपको नहीं लगता कि उनको हटाना चाहिए जिससे स्पेस हो पाए? नहीं, अगर लाइब्रेरी में जगह है पुरानी पुस्तकें रखने की तो रखे रहें। इंडिया को कांग्रेस जो है इंडिया को प्रोजेक्ट कर रही है सीएम के रूप पर, आप इसको कैसे देखते हैं? कब किया है? कहीं मैंने पढ़ा नहीं है कि सिंधिया सीएम के चेहरे के लिए तय हो गए कांग्रेस में। ऐसा हो जाएगा तो मैं तो प्रसाद बांटूंगा। सीहोर बाईपास पर एक यात्री बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इधर सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इंदौर से छिंदवाड़ा जा रही एसएमटी ट्रेवल्स की यात्री बस में बाईपास पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग का पता उस समय लगा जब यात्रियों ने बस में धुआं निकलते देखा। इसके बाद बस रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया और सामान को भी सुरक्षित निकाला। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ड्राइवर हामिद अली ने बताया कि बस की डिक्की में स्कूली किताब, ड्रेस आदि रखे हुए थे, जिनमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। खबर मिलते ही सीहोर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्या मामला था? ये इंदौर से छिंदवाड़ा जा रही थी, पीछे शॉर्ट सर्किट होने से वायरिंग जलने से नीचे जो सामान रखा था उसमें अंगार लग गए। अंगार लगने के बाद पूरे पैसेंजर जल्दी से नीचे उतारे, उसमें पानी से डाल के बुझाने की कोशिश कर रहे, अंगार ज़्यादा भड़क गए। फिर पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड पहुँचाया, उसके बाद है ना अंगार थोड़ा काबू में आए। सर, ये जो घटना हुई है बस वाली, ये किस तरह की घटना है? रात में 12:30 के आसपास हमको सूचना मिली थी कि जहांगीरपुरा जो गांव है उसके ऊपर एक बस में आग लगी। मौके पर हम लोग पहुँचे तो, और मौके पहुँचे उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से फायर ब्रिगेड को पहुँचाया था, जिसने आग पर नियंत्रण पा लिया था। फिर हमने ड्राइवर से पूछताछ की, उसने बताया कि चलती बस में पीछे शॉर्ट सर्किट हो गया था और उसके दौरान आग लगी थी। जबलपुर के बरेला थाना व क्राइम ब्रांच ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 लाख रुपए के जेवर बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने बैतुल मंडला बरेला भेड़ाघाट में 7 चोरियां और एक नकाब जनी की वारदात कबूली है। आरोपियों से अन्य थाना क्षेत्रों की वारदातों के बारे में पूछताछ चल रही है। एसपी अमित सिंह ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम को पता चला कि बस स्टैंड में 3 संदिग्ध खड़े हैं, जिन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। संदिग्ध पप्पू उर्फ राम बहोर साहू निवासी जिला रीवा, जग्गी उर्फ जगदीश प्रसाद बर्मन निवासी जिला कटनी और संदीप अटनेरे निवासी शुक्ला नगर जबलपुर ने बरेला बाजार में घूम रहे अपने साथी राकेश विश्वकर्मा निवासी जबलपुर के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकारा। पुलिस ने दबिश देकर राकेश को भी दबोच लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों को 8 वारदातों का खुलासा किया। पुलिस ने इनके पास से 11 तोला सोने और 3 किलो चांदी के जेवर बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। हमने अरेस्ट किया, बरुआ कटनी के रहने वाले हैं। हम संदीप अटनेरे, ये शुक्ला नगर जबलपुर का रहने वाला है। राकेश विश्वकर्मा, राजा राम विश्वकर्मा, ये एकता चौक गढ़ा का रहने वाला है। इनसे जबलपुर की 6, मंडला की 1 और बैतूल की 1, कुल 8 नकबजनी का खुलासा हुआ है, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए सोने चांदी के जेवर और एक मारुति 800 कार जो ये यूज़ करते थे वो इनसे मिला है। 11 तोला सोना है, 3 किलो के करीब इसमें चांदी के जेवर हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि संदीप आटनेरे ही मास्टर माइंड है, जो राम बहोरे साहू, जगदीश बर्मन और राजेश विश्वकर्मा को लेके अपनी सगी मौसी के घर में चोरी कराने। आईपीएल क्रिकेट सट्टे में 50,000 का दाम लगाया और हार गया।
दोस्तों व अन्य लोगों ने जब रुपए चुकाने का दबाव बनाया तो जबलपुर के नरघैया के कपड़ा व्यापारी राजू जैन के 17 वर्षीय भतीजे राजू जैन ने खुद 90,000 की लूट की झूठी कहानी रची और लाटगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जब पड़ताल की तो मामला संदिग्ध नजर आया। सख्ती से पूछताछ के दौरान उसने सच उगल दिया। पुलिस ने 90,000 रुपए और उसका फटा पैंट जब्त कर लिया है। एसपी अमित सिंह के मुताबिक आरोपी किशोर ने शातिर अपराधी की तरह पूरा घटनाक्रम रचा। आरोपी ने खुद को चोट पहुंचाकर लुटेरों द्वारा लूटना और हमला करना बताया। पुलिस ने जांच की तो किशोर की कहानी अनुसार सब गलत पाया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब सच उगल दिया। अब उसके दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। कि अगर कोई चाकू मारेगा तो कपड़ा फटना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताएं। कपड़ा नहीं फटा था, कपड़े नई स्टाइल का जींस पहना था जो घुटने में फटा हुआ था, घुटने नीज फटे हुए थे लेकिन ऊपर कहीं भी फटा हुआ नहीं था। तो बार बार जब हमें वो घटनाक्रम बता रहा था तो अपनी वो जींस ऊपर कर रहा था, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी वो इतना माहिर नहीं हुआ है कि पुलिस को टॉस दे सके इस क्रम में। और दूसरा, जब शाम के समय मैं पहुंचा उससे पूछताछ करने के लिए तो उसने अपने चाचा से कहा कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है और पुलिस हमें परेशान कर रही है। पुलिस का काम किसी को परेशान नहीं करना है, पुलिस का काम ये है कि लोगों के सामने सच लाना, अपराधियों को पकड़ना। तो ये पूरा घटनाक्रम था। ये इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से वीडियो हैं जो हम सीन ऑफ क्राइम को कनेक्ट कर रहे हैं, रिकनेक्ट कर रहे हैं उनके माध्यम से। आपको हम जल्दी कल तक उसको दे देंगे। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल पे चलाना चाहें, विशेष रूप से जो लोकल चैनल हैं उनका स्वागत है, हम उनको दे देंगे पूरा फुटेज। हम ये चाहते हैं कि इस के माध्यम से आप जबलपुर के गार्जियन को, अभिभावकों से कहें कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए खिलचीपुर के माचलपुर थाने की पुलिस ने नई पहल करते हुए शक्ति मोबाइल की शुरुआत की है। शक्ति मोबाइल से स्कूल, कोचिंग और महिलाओं की उपस्थिति वाले स्थानों पर निगरानी रखी जाएगी। माचलपुर थाना पुलिस ने महिला व युवतियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए शक्ति मोबाइल की शुरुआत की है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ का कहना है कि शक्ति मोबाइल बाइक से महिला पुलिसकर्मी उन सभी स्थानों पर निगरानी रखेगी जहां स्कूली छात्राओं व महिलाओं की उपस्थिति रहती है। इस दौरान मंचलों पर भी कार्यवाही की जाएगी, साथ ही भ्रमण कर सभी स्कूलों व कोचिंग सेंटर की छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। मंचलों से परेशानी होने पर शक्ति मोबाइल की हेल्पलाइन नंबर 8225073865 एवं 7987570670 पर संपर्क किया जा सकता है। तो शक्ति मोबाइल सेवा चालू करिए, इसके क्या क्या कार्य रहेंगे? आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से आज थाना माचलपुर में हमने शक्ति मोबाइल को शुरू किया है। शक्ति मोबाइल में वो महिला आरक्षक रहेंगी और शक्ति मोबाइल का कार्य रहेगा कि वो तस्वीर जो कॉलेज है या स्कूल है जहाँ कोचिंग संस्थान है और जिस जगह मंचलों की खड़े होने की सूचना मिलती है उस संदिग्ध जगह पे करेगी। राजगढ़ के तलेन में हरियाली महोत्सव के तहत 30 से अधिक फलदार और छायादार पौधे रोपे, साथ ही उनकी देखभाल की भी जवाबदारी ली। तलेन के संस्कार हाई सेकेंडरी स्कूल परिसर में हरियाली महोत्सव के तहत 30 पौधे अधिक फलदार और छायादार पौधे रोपे। संस्था संचालक देव सिंह यादव ने बच्चों व संस्था स्टाफ को पौधों सुरक्षा और देखभाल का संकल्प दिलाया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय भट्टर, मोहम्मद शफीक पठान, प्रवीण जैन, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय तलेन सेंटर की देव बहन सहित स्कूल स्टाफ और बच्चे आदि लोग मौजूद थे। अभी की खास खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश। नमस्कार।